तेलंगाना के लिंगमपल्ली स्टेशन से 1176 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन देर रात रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन से उतरने के बाद मजदूरों के चेहरों पर मुस्कान देखी गई। स्टेशन पर मजदूरों का स्वागत फूल देकर किया गया और इस दौरान रेलवे पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। ट्रेन से उतरने के बाद मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत स्टेशन के बाहर लाया गया। फिर स्क्रीनिंग के बाद उन्हें उनके जिले के लिए स्टेशन के बाहर लगी 56 बसों में बिठाकर घरों की ओर रवाना किया गया। तेलंगाना से बस ये निकली थी और अब झारखंड पहुंच गई। रात को ये झारखंड पहुंची जहां पर रांची के हटिया में देर रात ये ट्रेन पहुंची और इस दौरान राहत की सांस और चेहरे पर मुस्कान इन मजदूरों के चेहरे पर नजर आई। रणनीति नहीं है सरकार की, जो दिशा निर्देश है वो ये है कि इनको बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इनको भेजा जा रहा है, बसों के माध्यम से उनको पहुंचाया जा रहा है। वो अपने अभी जिले जाएंगे, जिले में होम क्वारंटाइन, वहां पे स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद क्वारंटाइन करेंगे। ये बहुत समय पे ट्रेन आ गई है यहाँ पे हटिया में और जो पैसेंजर्स उतारे एक एक कोच करके उतारा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग आप देख रहे हैं कि पूरा ख्याल रखा जा रहा है और अभी तक तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है और हम लोग और लोग लगे हुए जिला प्रशासन से भी। स्वागत यहाँ पर फूल दे के स्वागत हो रहा है और काफी खुशी है चारों तरफ की इनका अराइवल यहाँ पर हटिया हो चुका है। झारखंड की और झारखंड के मजदूर जो हैदराबाद तेलंगाना राज्य में फंसे हुए थे उन्हें आखिरकार एक स्पेशल मजदूर ट्रेन के जरिए रांची के हटिया स्टेशन पर लाया गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से हाथों में गुलाब के फूल लेकर सारे मजदूर एक एक कर वापस आ रहे हैं और अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। इन मजदूरों के हाथ में एक पैकेट भी दिया गया है जिसमें भोजन है ताकि ये मजदूर सफर में अगर भूखे रहे होंगे तो उन्हें खाना भी नसीब हो जाए। बहुत कष्ट में थे, इनसे बात किया जाएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या नहीं सर, सब ठीक है। क्या क्या मिला अभी आपको? खाना मिला और फूल मिला, पानी उन्हें, हाँ गुलाब फूल मिला सर। चलिए मजदूरों की बात आपने सुन ली कि यहाँ पर आने के साथ इन्हें खाना मिला और अपने घर में गुलाब फूल से इनका स्वागत किया गया। जो रेलवे के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, वो इस खुशी के अवसर पर क्या कहते हैं वो भी जरा आप सुन लीजिए। अधिकारियों के साथ आपने मजदूरों को भी सुना और ये सिकंदर यादव हाथ में गुलाब लिए हुए हैं, किस तरीके से इनके चेहरे पर मुस्कान है ये साफ देखा जा सकता है। जाहिर सी बात है कोरोना के इस कहर में लोग अपने परिवार को अपनों के बीच में ढूंढना चाहते हैं, लेकिन अभी इन मजदूरों को जो आज लाया गया है इन्हें अभी क्वारंटाइन किया जाएगा और इनके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही इन्हें अपने परिजनों से मिलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन झारखंड में आज हर चेहरे पे एक मुस्कान है। हम भी आपसे अपील करेंगे कि कोरोना से बचिए, डरिए नहीं और जमकर मुकाबला कीजिए और अपनों को अपने जैसा प्यार दीजिए। कैमरा पर्सन सुरेन प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 टीवी रांची। और चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राय यहां पर जुड़ गए हैं रांची से। ब्रजेश, देर रात ये ट्रेन लौटी और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि जो सुकून अपने घर पहुंचकर मिलता है किसी को, वो सुकून वहां पर देखा गया है। और इस दौरान बतलाइए कि किस तरह से वहाँ पर जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो की गई हैं, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है कि मजदूरों को अगर उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है तो वो संक्रमित ना हो, इसको भी यहाँ पर पुख्ता किया जाए। रितु बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में सबसे पहली ये ट्रेन, कोई स्पेशल ट्रेन जो कहीं बाहर से चलकर झारखंड पहुंची, क्योंकि राज्य सरकार हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से लगातार जितने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होते रहे उसमें प्रधानमंत्री से ये गुहार लगाया जाता रहा कि हमारे जो प्रवासी मजदूर है जो फंसे हुए हैं उनको हम लाना चाहते हैं और केंद्र के सहयोग के बिना नहीं लाया जा सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कल स्पेशल ट्रेन, मजदूर स्पेशल ट्रेन के जरिए करीब 1200 के मजदूर
रांची के हटिया स्टेशन पहुंचे। जैसा कि रितु आप तस्वीरों में देख सकती हैं, सब लोग बहुत इत्मीनान दिख रहे थे, सबके चेहरे पे एक खुशी दिख रही थी। और हटिया रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तरफ से सभी को एक गुलाब और खाने का पैकेट दे करके उनको उनका अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। और रेलवे स्टेशन के बाहर में लगभग 52 गाड़ियां यहाँ बसेस थी, जिनसे उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। तो ऋतु 11:16 में ये ट्रेन हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची और सभी यात्रियों के बाहर निकलने के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो बड़ा मुकम्मल थी, यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जा सके, मजदूरों को एक एक करके, यानी कि इन तमाम बातों का खास ख्याल वहां पर रखा गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के।